दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योतिष विद्या के ज्योतिष विद्या यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज यहां पे आज आपको ऐसा प्रेडिक्शन दिया जाएगा दोस्तों, ज्योतिष आंकड़े के द्वारा दोस्तों टीम बनाई जाएगी और आपको बताया जाएगी आप लोग दोस्तों 2 करोड़ रुपए आराम से जीत सकते हैं, फर्स्ट रैंक पर भी आ सकते हैं। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई जाएगी टीम दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आज किस खिलाड़ी का भाग्य सही चल रहा है, किसका दोस्तों यहाँ पे केतु अच्छा चलेगा, किसका दोस्तों ग्रह चल रहे हैं, कौन सा दोस्तों ड्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट खिलाड़ी होगा, कौन सा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होगा। और दोस्तों अगर आप लोग बागेश्वर बाबा की ज्योतिषवाणी को जानते होंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे कोई चीज बताने की जरूरत नहीं कि बागेश्वर धाम ज्योतिष विद्या के द्वारा हर एक आदमी का दोस्तों फ्यूचर बता देते हैं। तो दोस्तों बागेश्वर बाबा का जो आशीर्वाद है वो खुद कहते हैं कि मेरा कोई यहाँ पे दोस्तों आशीर्वाद नहीं है, मैं कोई यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी है वो दादाजी गुरु महाराज हैं, सन्यासी बाबा हैं, बालाजी सरकार हैं। अगर आप लोग बागेश्वर बाबा धाम पर विश्वास करते हैं और आप लोग मानते हैं दिल से तो जरूर दोस्तों दिल से सपोर्ट करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। आज दोस्तों मुकाबला है दिल्ली वर्सेज चेन्नई के बीच में, दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स उतनी अच्छी मजबूत नहीं जितनी चेन्नई मजबूत है। तो दोस्तों इन दोनों टीमों की बात करेंगे और प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई गई टीम में कप्तान उपकप्तान किस प्रकार से फंसते हैं। तो एक बार चलिए सन्यासी बाबा को जरूर दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करिए। बागेश्वर धाम दोस्तों आज फिर ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई गई टीम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिर भी आज ड्रीम टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी नहीं आएंगे देख सकते हैं आप। ये दूसरा मुकाबला होगा दोस्तों ड्रीम इलेवन का, आप लोग देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस दोस्तों यहाँ पे चेन्नई के बीच में होने वाला है। और दोस्तों चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ क्या मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे ड्रीम इलेवन में जीतती है टीम, कप्तान कप्तान बनते हैं नहीं बनते आप लोग देख सकते हैं। पिछले मुकाबले में दोस्तों मैंने पिछले टीम में यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम में देख सकते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई गई टीम 1 करोड़ रुपए जीती, यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा माता जी की फोटो लगी, ज्योतिष विद्या के द्वारा बनाई गई टीम 1 करोड़ रुपए विनर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर बात करूँ कि मेरे टीम में कप्तान कप्तान फंसे या नहीं फंसे दोस्तों, चलिए मैं बात कर ले तो यहाँ पे मेरे टीम में शिखर धवन, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मेरे टीम में, यहाँ पे देख सकते हैं शिखर धवन ड्रीम टीम में दोस्तों मैंने भविष्यवाणी की थी ज्योतिष आंकड़े के द्वारा, जबरदस्त तरीके से उनका प्रदर्शन रहने वाला है। और पिछले मैच में दोस्तों मैंने बताया था क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, निकोलस पूरन में 2 विकेटकीपर सेक्शन से आने वाले हैं और दोनों विकेटकीपर आपको खेलते हुए ड्रीम टीम में दिखाई दे रहे हैं ये बताया था। और दोस्तों बल्लेबाज सेक्शन मैंने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोस्तों 3 बल्लेबाज थे, देवदत्त पटकल थे श्री और यहाँ पे शिखर धवन थे जॉनी ब्रेस्टो, इन 3 बल्लेबाजों को ड्रीम टीम में लेने की बात करी थी, 3 में से 2 आने थे तो 2 ड्रीम टीम में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑलराउंडर है दोस्तों, मैं आपसे कोई भी चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 4 ऑलराउंडर खेल रहे थे ड्रीम टीम में, मैंने कहा था आपके लिए दोस्तों कुणाल पांड्या ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी साबित होंगे, कुणाल पांड्या ड्रीम टीम में आ चुके हैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर, अन्यथा दोस्तों 3 ऑलराउंडर के आने के चांसेस ज्यादा थे। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी एंट्री मार चुका है जिसको मैंने दोस्तों कुणाल पांडे को बताया था पिछले मैच में ड्रीम टीम में नहीं थे, इस मैच में अच्छी पारी खेली। अब दोस्तों गेंदबाज सेक्शन से मैंने बताया था यहाँ पे आज ड्रीम टीम में 3 गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे और मेरे टीम में दोस्तों ये गेंदबाज जो एम यादव है इसको भी दिखाऊंगा कि मेरे टीम में है, मोहसिन खान भी इनके साथ खेल रहे हैं और अर्शदीप सिंह भी दोस्तों। चलिए शिखर धवन कप्तान है बने हैं या नहीं बने दोस्तों आपको दिखाता हूं मेरे टीम में दोस्तों लाइव आपको दिखाऊंगा, ज्वाइन आप लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष विद्या के यूट्यूब चैनल पर तो जरूर दोस्तों आपको मैं प्रिडिक्शन लाइव दिखाऊंगा यहां पे कि मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे कप्तान कप्तान बने कि नहीं। लखनऊ वर्सेस यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब का मुकाबला था, इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि मेरे टीम में कप्तान कप्तान देख सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, शिखर धवन आपको दिखाई दे रहे हैं पहले नंबर पर ड्रीम टीम में देख सकते हैं, दूसरी टीम बनी हुई है जिसमें कप्तान कप्तान बने हुए हैं। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा जो वाइस कैप्टन बना जिसको कोई नहीं ले रहा था नया खिलाड़ी, उस खिलाड़ी की भी बात करूंगा, देख सकते हैं शिखर धवन कप्तान बने हुए मेरे टीम में। अब दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कप्तान कप्तान दोस्तों, चलिए हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जो ड्रीम टीम में दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से जो नए गेंदबाज थे जो दोस्तों ज्योतिष आंकड़े द्वारा मैंने बताया था यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टीम में दोस्तों, जो मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम दिखा रहा था उस टीम की देख सकते हैं, क्विंटन डिकॉक मेरे टीम में है और यहाँ पे निकोलस पूरन है, लाइव प्रूफ ज्योतिष आंकड़े द्वारा बनाई गई थी, शिखर धवन है और जॉनी ब्रेस्टो भी टीम में मेरे टीम में दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2 ही बल्लेबाज है आप लोग देख सकते हैं, 2 विकेट कीपर है जो ड्रीम टीम में, 4 देख सकते किसी पर पोजीशन, यहाँ पे मार्कस स्टोनिस, लियाम लिंगस्टोन, सैम करन, ये 3 ऑलराउंडर दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों कुणाल पांड्या को हमने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी साबित किया था यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि गेंदबाज ज्यादा ले लेते जिसकी वजह से कुणाल पांड्या की जगह यहाँ पे नहीं बन पाई। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एम यादव देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइस कैप्टन रहे वो भी है, मोहसिन खान भी है देख सकते हैं ड्रीम टीम में, जबरदस्त तरीके से कितने खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग गिनती कर सकते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई गई 800 पॉइंट्स है ड्रीम टीम में, इतना जबरदस्त प्रेडिक्शन आपको दोस्तों पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं दे रहा होगा, देख सकते हैं 1 2
तीन, उसके बाद देख सकते हैं चार, चार खिलाड़ी पांच छह सात आठ नौ, नौ नौ खिलाड़ी ड्रीम टीम में आ रहे हैं दोस्तों। इससे अच्छा ज्योतिष आंकड़े की टीम क्या ही मिल सकती है। तो आज के मुकाबले में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यहां पे बात करेंगे कि यहां पे चेन्नई के बीच में जो आंकड़े होने वाले 45 करोड़ की मेगा ग्रैंड लीग, यहां पे कौन कौन से खिलाड़ी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा यहाँ पे बात की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं दो खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में, जो यहाँ पे शिखर वो देख सकते हैं ऋषभ पंत है और यहाँ पे पोरल है। ये दोनों खिलाड़ी ड्रीम टीम में दोस्तों, अगर बात करें कि आज के मैच में कौन कौन से विकेट कीपर, साई होप की वापसी हो सकी, एम एस धोनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तीन विकेट कीपर सेक्शन से आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए इन तीनों को दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस राशि में आता है और आज विकेट कीपर सेक्शन से आपके ड्रीम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से किस खिलाड़ी को दोस्तों यहाँ पे जगह मिलने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, जो हमने प्रूफ दिखाया है वो बिल्कुल सत्य प्रूफ है। तो दोस्तों आज विकेट कीपर सेक्शन से आपके सामने ऋषभ पंत है और यहाँ पे एम एस धोनी और ए पोरल है। ये तीन विकेट कीपर सेक्शन से आपको दिखाई दे रहे हैं ड्रीम टीम में। दोस्तों बात कर लेते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा, अगर बात की जाए देख सकते हैं तो यहां पे चलिए बात करते हैं कि ज्योतिष आंकड़े के द्वारा कौन कौन से खिलाड़ी है। देख सकते हैं सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आज की जो भविष्यवाणी होगी वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आपको रीसेंट स्कोर, पुराना स्कोर से कोई मतलब नहीं, फ्यूचर में क्या होगा उससे मतलब रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से खिलाड़ी किस राशि में। अगर आप लोग ड्रीम इलेवन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी जोर से जोड़िएगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आज की जो राशियां हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सभी 12 राशियां हैं और 12 राशियों का गहन अध्ययन किया गया तब दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन की पॉइंट दोस्तों बताई जाती है, तभी वो खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आज की राशियों में महेंद्र सिंह धोनी किस राशि में आते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की जो राशि है सिंह राशि में आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सिंह राशि में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ड्रीम इलेवन में दोस्तों उनका उतना अच्छा भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है बहुत ही नीचे आती है, जिसकी वजह से दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम टीम में आज उतने अच्छे संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बल्लेबाजी अगर जाती है महेंद्र सिंह धोनी के हाथों तक तो वो जरूर ड्रीम टीम में आएंगे। कैच के बदौलत दोस्तों उतने कैच उनको पकड़ नहीं पाते या फिर स्टंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी ड्रीम टीम में जगह एक बार बन चुकी है और दो बार दूसरे चांस में नहीं बन पाई थी। उसके बाद बात करते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का आज का शुभ योग बन पा रहा है तुला राशि में आते। देख सकते हैं ऋषभ पंत दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से उमदा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से आपको बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो ड्रीम टीम में यहाँ पे जगह बना रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें अब ए पोरल की बात की जाए, देख सकते हैं ड्रीम टीम में दोस्तों ये खिलाड़ी भी आपको ड्रीम टीम में एक बार ड्रीम टीम में आ चुका है। तो मतलब एक एक बार सभी खिलाड़ी जो ड्रीम टीम में आ चुके हैं और देख सकते हैं दो दो बार ड्रीम टीम में दोस्तों ये मैच खेल चुके हैं। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आज के मैच के लिए ज्योतिष आंकड़े द्वारा कौन से विकेट कीपर आ सकते हैं, तो विकेट कीपर सेक्शन आपको दोस्तों दो विकेट कीपर आपको दिखाई देंगे ड्रीम टीम में, दो हो सकते हैं और दोस्तों तीन विकेट कीपर नहीं खेलेंगे ड्रीम टीम में। आप लोग इस बात को मानकर ले लीजिएगा, तीन विकेट कीपर सेक्शन आज ड्रीम टीम में दोस्तों ज्योतिष आंकड़े द्वारा स्वयं पॉइंट दोस्तों उतने शुभ अंक नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से आप लोग तीन विकेट कीपर नहीं ले जाना। अब कौन कौन से विकेट कीपर ले जाना है टीम बताएंगे अभी। चलिए दोस्तों ये विकेट कीपर सेक्शन से आपने देख लिया। अब दोस्तों यहां पर अगर हम दिखाना चाहें देख सकते हैं ऋषभ पंत एक बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं 45 पॉइंट देकर के, और दोस्तों यहां पे और देख सकते हैं एम एस धोनी भी एक बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। एम एस धोनी की भी दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक बार ड्रीम टीम में 32 पॉइंट दिए, दोबारा में नहीं आया क्योंकि इनकी बल्लेबाजी नहीं आ पाती और दोस्तों एक आधा कैच या स्टंपिंग कर लेते, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं ये अभिषेक पारल की बात करो तो एक बार ये भी ड्रीम टीम में 54 पॉइंट्स दे चुके हैं अभिषेक पारल। तो तीनों विकेट कीपर एक एक बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। आज के मैच में कौन कौन से आएंगे वीडियो में बने रहिएगा, अभी बताऊंगा कि कौन कौन से विकेट कीपर सेक्शन से आपको लेकर चलने हैं। तो तीनों विकेट कीपर आपने देख लिया दोस्तों। अब बल्लेबाज सेक्शन से बात करते हैं कि कौन कौन से बल्लेबाज है जो ड्रीम टीम में आने के शुभ अंक दिखाई दे रहे हैं, जो दोस्तों ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सभी बल्लेबाज देख सकते हैं, रवि रचिन हो गए और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, टी एस स्टब, आर भुई और दोस्तों समीर रिजवी, तो सभी दोस्तों यहाँ पे ज्योतिष आंकड़े के द्वारा कौन कौन से हैं जो किस दोस्तों राशि में आते हैं वो भी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी गेंदबाज आपको दिखाई बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताया जाएगा कौन कौन से बल्लेबाज ड्रीम टीम में आने के चांस है, कितने बल्लेबाज ड्रीम टीम में आ सकते हैं। और दोस्तों पुराना रिकॉर्ड तो सभी को पता है, हर चीज आपको भी पता है, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस दिक्कत बात यह कि आने वाले फ्यूचर में कौन सा बल्लेबाज आपको रन बनाकर दे सकता है। तो दोस्त ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बात की जाए कि
देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ज्योतिष आंकड़े द्वारा बात की जाए कि डेविड वार्नर किस दोस्तों राशि के हैं। तो दोस्तों डेविड वार्नर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों कर्क राशि में आते हैं। डेविड वार्नर किस राशि में आते हैं? कर्क राशि में आते हैं। तो कर्क राशि का जो आज का योगदान है वो दोस्तों उतना अच्छा पिक नहीं दिखाई रहा जितना दोस्तों की कप्तान बनने के चांस नहीं। हालांकि डेविड वार्नर के योग बन रहे हैं कि वो ड्रीम टीम में 100% आने वाले हैं, बट दोस्तों कप्तान के लिए इतना अच्छा योग उसका नहीं बन पाने वाला है डेविड वार्नर का। अब दोस्तों यही बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों तुला राशि में आते हैं। किस राशि में आते हैं? तुला राशि में आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की जो राशि है वो तुला राशि में आते हैं। जबरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों आज ड्रीम टीम में अच्छी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तुला राशि में आज का जो शुभ योग बन रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के नक्षत्र है वो काफी दोस्तों अच्छे तरीके से दोस्तों आज चल रहे हैं। तुला राशि का योग बहुत ही अच्छा बन पा रहा है ज्योतिष आंकड़े के द्वारा जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आज अपने ड्रीम टीम से दोस्तों इनको ड्रॉप नहीं करना है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे किस राशि में आते हैं? तो दोस्तों अगर बात की जाए शिवम दुबे कुंभ राशि में आते हैं। कुंभ राशि दोस्तों आज का शुभ अंक दोस्तों कुंभ राशि उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए था कुंभ राशि में, और दोस्तों शिवम दुबे की गेंदबाजी नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से वो कप्तान अभी तक ड्रीम टीम में नहीं बन पाए। बट आज का मौका बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि शिवम दुबे ड्रीम टीम में आने वाले हैं, और आप इनको हल्के में मत लेना। शिवम दुबे को आप दोस्तों योग बन पा रहा है ड्रीम टीम में आने के चांस फुल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रचिन रवीन की बात की जाए दोस्तों आज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों रचिन रवीन दोस्तों तुला राशि में आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ी राशि में तुला राशि में दोस्तों ये भी आते हैं रचिन रवीन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रचिन रवीन ने ड्रीम टीम में अच्छा योगदान दिया है। दो मैच खेले हैं दोनों बार दोस्तों इन्होंने बहुत ही शुभ योग बनाया है ड्रीम टीम में। इनका जो भविष्य है वो काफी फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से इनका योग मिल रहा है आज के मैच में भी। आज को अच्छी पारी खेलते हुए या फिर गेंदबाजी से आपको ड्रीम टीम तक दोस्तों ये वाइस कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अजिंक्य रहाणे दोस्तों मेष राशि में आते हैं। किस राशि में आते हैं? मेष राशि में आते हैं। जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे मेष राशि में आते हैं। मेष राशि का उतना अच्छा योगदान आज नहीं मिल पा रहा है, तो आज दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के खतरा मंडरा रहा है अजिंक्य रहाणे के ऊपर। तो अजिंक्य रहाणे उतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाएंगे, हो सकता है ये ड्रीम टीम से भी बाहर जा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर दोस्तों टी स्टब्ध की बात करें, पिछले मैच के वाइस कैप्टन रहे टी स्टब्ध का जो स्कोर है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दोस्तों टी स्टब्ध किस राशि में आते हैं दोस्तों उसकी अगर हम चर्चा करें तो सिंह राशि में आते हैं टी स्टब्ध। सिंह राशि दोस्तों आपको पता है कितनी खतरनाक तरीके से ये दोस्तों एक बार इनका योगदान बहुत ही अच्छा था पिछले मैच में, और पिछले मैच में सिंह राशि की तरफ से बहुत ही अच्छा योगदान रहा। तो सिंह राशि में दोस्तों आते हैं टी स्टब्ध। आज के मैच में सिंह राशि का योगदान उतना अच्छा नहीं बन पा रहा कि वो कप्तान बन सके। हालांकि प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर दोस्तों इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा आज के मैच के लिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए आप लोगों के रिके भुई दोस्तों ये भी तुला राशि में आते हैं। तो रिके भुई को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आर भुई है जो यहाँ पे देख सकते हैं आर भुई दोस्तों इनका उतना अच्छा तुला राशि का योगदान जो है बनना तो चाहिए था, बहुत ही अच्छा योगदान है। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी के तौर पर इनको ड्रीम टीम में जगह मिल पाना असंभव लग रहा है, मुश्किल है थोड़ा सा। और समीर रिजवी को दोस्तों बल्लेबाजी जो फॉर्म है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके। समीर रिजवी किस राशि में आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। समीर रिजवी की बात करें तो दोस्तों ये भी कुंभ राशि में आते हैं, शिवम दुबे वाली राशि में। तो शिवम दुबे वाली राशि में दोस्तों अगर आज समीर रिजवी की बात करें तो दोस्तों समीर रिजवी का भी बल्ला आज चलने के आसार है, मगर इनकी बल्लेबाजी आने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से दूर दूर तक खतरा मंडरा रहा है। समीर रिजवी अगर बल्लेबाजी करते हैं तो इनके आसार बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं ड्रीम टीम में, जरूर इनके चांसेस का योगदान बन पा रहा है। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जिनको आप ड्रीम टीम में आज दोस्तों एक साथ नहीं खिलाना, क्योंकि दोस्तों यहां पे ड्रीम टीम में जब लगातार कोई बल्लेबाज खिला देते तो उनके ग्रह जो टकरा जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाज से दोस्तों रन बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप दोस्तों बात कर लेते कि आप लोग बात करते यहां पे दोस्तों रचिन रवीन ऋतुराज गायकवाड़ में दोस्तों एक दो इन दोनों में एक का खतरा मंडरा रहा है कि रचिन रवीन या फिर ऋतुराज गायकवाड़ एक के चांसेज है कि फ्लॉप हो सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों रचिन रवीन और ऋतुराज गायकवाड़ का जो योग है वो काफी अच्छा था, मगर दोस्तों सामने सामने से इनका योग जो टकरा रहा है इनके ग्रह खराब होने के चांस आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को अगर आप एक टीम में लेकर के जाते हैं तो दोनों में से कोई भी फ्लॉप हो सकता है, इस बात का दोस्तों अंदेशा झलक रहा है ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं दूसरे कौन से खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए कि आज का जो खतरा दोस्तों मंडरा रहा है वो दोस्तों यहां पे समीर रिजवी और अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। एक की बल्लेबाजी आएगी और एक ही ड्रीम टीम में दोस्तों आपको खेलते हो, इन दोनों में से किसी न किसी का ड्रीम टीम से पत्ता साफ हो जाएगा, कोई ना कोई दोस्तों ड्रीम टीम से बाहर हो जाएगा। एक प्लेयर होगा अजिंक्य रहाणे या फिर रवि रिजवी, दोनों में से कोई एक अच्छा प्रदर्शन करके देगा। अब दोस्तों
और बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो रिस्की प्लेयर के तौर पर है टी स्टब्ध आर भुई, टी स्टब्ध को तो सभी लोग ले रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन बने थे, मगर इस मैच में दोस्तों कप्तान बनने के आसार टी स्टब्ध के नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज के ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आप लोगों के लिए बेस्ट पिकअप कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेस्ट पिकअप की बात की जाए तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इन गेंदबाजों में दोस्तों यहाँ पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, किसको किसको ड्रॉप करना है, ये रिकी भुई को ड्रॉप कर देना है और दोस्तों अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करना है। तो आपके सामने दोस्तों आज के मैच के हिसाब से बात की जाए कितने बल्लेबाज बन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो तीन से चार बल्लेबाज आपको जरूर टीम में ट्राई करना है। टी स्टब्ध को लेना है दोस्तों यहाँ पे, आप लोग किसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आज का शुभ योग बन पा रहा है ड्रीम टीम दोस्तों, यहाँ पे जो पिच है वो बैलेंस पिच है, मतलब यहाँ पे गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो आज के मैच के बेस्ट टॉप फाइव बल्लेबाज है जिनका ज्योतिष आंकड़े का साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन खिलाड़ियों में डेविड वार्नर शामिल है, ऋतुराज गायकवाड़ शामिल है, अब दोस्तों यहाँ पे शिवम दुबे शामिल है और उसके बाद रचिन रविंद्र है, पांच बल्लेबाज है दोस्तों। अब दोस्तों अगर सेफ पिक की बात की जाए तो ड्रीम इलेवन में दोस्तों आपको कितने बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देंगे, इनमें से दोस्तों चार बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देंगे, ये जो टॉप बल्लेबाज है चार बल्लेबाज खेलते हुए ड्रीम टीम में दिखाई देंगे और एक बल्लेबाज हो सकता है आपको जो हमने ड्रॉप किया है, मतलब जिनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं सभी लोग, उनका ज्योतिष आंकड़े के ट्रम्प कार्ड के तौर पर वो ड्रीम टीम में जबरदस्ती शामिल हो सकते हैं प्रदर्शन के दम पर। तो आखिरकार आप लोग समझ सकते हैं इन पांच खिलाड़ियों में आपको चार बल्लेबाज ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब फ्लॉप कौन हो सकता है, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे और यहां पे देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई की तरफ से ये बल्लेबाज आपको फ्लॉप दे, तीन में से एक फ्लॉप होता हुआ दिखाई देगा। अब कौन बल्लेबाज फ्लॉप होगा वो दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको टीम बनाते वक्त दिखाई देंगे या टेलीग्राम में मिल जाएगा, टीम बनाएंगे अभी बताएंगे किस बल्लेबाज को आपको ड्रॉप करके चलना है। तो रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे में से एक दोस्तों आज फ्लॉप होने वाला है टी स्टब्ध, और यहां पे बात कर लेते हैं डेविड वार्नर, इन दोनों का योग बन पा रहा है कि ड्रीम टीम में 100% आने के चांस ज्यादा है, ये तो जरूर आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए ऑलराउंडर सेक्शन से बात करी जाए कि कौन कौन से खिलाड़ी जिनको आज का शुभ योग बन पा रहा है ज्योतिष आंकड़े के द्वारा, जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात की जाए कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप ज्योतिष आंकड़े के द्वारा अपने टीम में लेकर के जा सकते हैं। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा अगर बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से आपके सामने मिशेल मार्श है, देख सकते 87%, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है और दोस्तों यहाँ पे सभी डेरिल मिशेल हो गए आपके सामने ऑलराउंडर सेक्शन से और सुमित कुमार हो गए। तो इन सभी ऑलराउंडरों के दोस्तों आज बात करते हैं कि ज्योतिष आंकड़े के द्वारा जबरदस्त तरीके से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका आज दोस्तों ड्रीम टीम में योगदान बन पा रहा है जबरदस्त तरीके से ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। मिशेल मार्श की बात की जाए तो एम मार्श यहां पे देख सकते हैं, मिशेल मार्श दोस्तों सिंह राशि में आते हैं, किस राशि में आते हैं मिशेल मार्श दोस्तों, सिंह राशि में आते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन इनकी भी उम्मीद की जा रही है कि सिंह राशि वाले जो मिशेल मार्श है आज ड्रीम टीम में इनकी जगह पक्की हो सकती है। वही तुला राशि में आते हैं रविंद्र जडेजा दोस्तों, तुला राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन करने के आसार होते, तो तुला राशि के दोस्तों आपको रविंद्र जडेजा भी आज ड्रीम टीम में इनके भी योग बन पा रहे हैं कि ये ड्रीम टीम में आज दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ड्रीम टीम में प्रदर्शन करने की उम्मीद जिसको है अक्षर पटेल, ये मेष राशि में आते हैं, अक्षर पटेल किस राशि में आते हैं मेष राशि में आते हैं, तो मेष राशि का भी योग आज बन पा रहा है कि दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है मेष राशि के ऊपर कि इनकी दोस्तों किस प्रकार से ड्रीम टीम में एंट्री तो हो रही है, मगर दोस्तों इनके ऊपर इतना ज्यादा खतरा मंडरा रहा कि ये दोस्तों या तो फिर ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान बनने के चांस है या तो फिर ये ड्रीम टीम से ही बाहर होंगे, इतना ज्यादा इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है मेघ राशि के ऊपर ये अक्षर पटेल के ऊपर। उसके बाद दोस्तों अगर ज्योतिष आंकड़े की बात करी जाए तो ज्योतिष आंकड़े में दोस्तों मिशेल मार्श आते हैं, ये देख सकते डेरिल मिशेल आते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डेरिल मिशेल का योग जो है वो बहुत ही अच्छा बन पा रहा है। डेरिल मिशेल दोस्तों किस राशि के जातक है, डेरिल मिशेल दोस्तों कर्क राशि के जातक है, किस राशि के, कर्क राशि के जातक है दोस्तों, तो कर्क राशि का आज जो योग है वो दोस्तों ड्रीम टीम में दोस्तों इनको इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिल पाएगा जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं, बट दोस्तों इनके चांसेज है कि ये ड्रीम टीम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते क्योंकि इनका योग जो है ड्रीम टीम में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा जितना अच्छा दोस्तों इन्होंने पिछले मैच में दो बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग यहां पे बात कर लेते हैं ड्रीम टीम में शुभ योग बन पा रहे हैं सुमित कुमार को, दोस्तों आप लोग सीधा सीधा इनका काफी ज्यादा योग अच्छा नहीं बन पा रहा तो इनको आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चलिएगा टीम में। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं
कि आज किस किस के ग्रह टकरा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे रविंद्र जडेजा और दोस्तों डेरिल मिशेल में इन दोनों में एक कनी शुभ योग बन पा रहा है। इन दोनों में से एक 100% ड्रीम टीम में आएगा जो कि कप्तान उपकप्तान बनने का प्रबल दावेदार होगा। और यहाँ पे अक्षर पटेल दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के अगर ग्रह लहरा सकते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिशेल मार्श और अक्षर पटेल की ड्रीम टीम में देखने को मिल सकता है। एक को ज्यादा ड्रीम टीम में पॉइंट्स मिलेंगे और एक को कम भी मिल सकते हैं। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हमने दोस्तों यहाँ पे ड्रीम इलेवन बता दिया कि आखिरकार गेंदबाज ऑलराउंडर सेक्शन से आपके लिए शुभ पिक आंकड़े कौन कौन से हैं कि आप लोग दोस्तों तीन ऑलराउंडर ड्रीम टीम में आने की आसार दिखाई दे रहे हैं आज के मैच में। अब दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन से बात की जाए तो कुलदीप यादव है, दीपक चाहर है, एम पथिराना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मुस्तफिकुर रहमान है, खलील अहमद है, मुकेश कुमार है, तुषार देश पांडे हैं। ये दोस्तों गेंदबाज सेक्शन बैलेंस पिच होने वाली है तो आज आपको गेंदबाज सेक्शन से वाइस कैप्टन बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। जैसे कि पिछले मैच में बैलेंस पिच थी दोस्तों वहां पे वो दोस्तों देख सकते हैं मोहित यादव किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कप्तान उपकप्तान बने, वाइस कैप्टन बने हुए जिनका लो सिलेक्शन परसेंटेज था। तो दोस्तों आज गेंदबाज सेक्शन से बात करें कि शुभ पिक आंकड़े कौन कौन से हो सकते हैं जो ड्रीम टीम में दोस्तों यहाँ पे आज जगह बना सकते हैं। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बात की जाए कुलदीप यादव मिथुन राशि में आते हैं, किस राशि में आते हैं तो मिथुन राशि का जातक है दोस्तों, इनको एक विकेट मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के जातक है कुलदीप यादव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन से दीपक चाहर, तो दीपक चाहर किस राशि में आते हैं, कर्क राशि में आते हैं। दीपक चाहर का दोस्तों आज भी इनका दोस्तों जो है इनको एक से दो विकेट मिलने के चांसेस हैं। कर्क राशि के दोस्तों हो सकता है इनको एक ही विकेट मिल पाए या दो विकेट भी मिल सकते हैं। दीपक चाहर की बात कर लेते हैं। पथिराना को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एम पथिराना की बात करें तो इनका जो दोस्तों यहाँ पे मथीसा पथिराना, एम पथिराना यहाँ पे सिंह राशि में आते हैं तो इनको दोस्तों आज के मैच में ड्रीम टीम में शुभ पिक आंकड़े बन पा रहे हैं। तो मथीसा पथिराना को ड्रीम टीम में 100% लेकर के चलना, सिंह राशि के जातक है मथीसा पथिराना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मुस्तफिकुर रहमान, ये दोस्तों मुस्तफिकुर रहमान भी सिंह राज के जातक है मथीसा पथिराना और दोस्तों यहाँ पे मुस्तफिकुर रहमान इनको भी एक विकेट मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं मुस्तफिकुर रहमान को भी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप इनमें से दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी को विकेट न मिलने के भी आसार है वो भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खलील अहमद मुकेश कुमार में आपको इन दोनों गेंदबाज जो दिखाई दे रहे हैं, खलील अहमद दोस्तों अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे खलील अहमद मकर राशि के जातक है, किस राशि के जातक है, मकर राशि के जातक है दोस्तों खलील अहमद। और दोस्तों मुकेश कुमार किस राशि के जातक है, सिंह राशि के जातक है। तो खलील अहमद और मुकेश कुमार सिंह राशि के जातक है, इन दोनों में से आपको एक ही गेंदबाज ड्रीम टीम में खेलता हुआ दिखाई देगा और दोनों में से किसी एक को एक विकेट और दोस्तों दो विकेट मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो खलील अहमद यहाँ पे मुकेश कुमार आपको इन दोनों में से एक ड्रीम टीम में खेलता हुआ दिखाई देगा। और ज्योतिष आंकड़े के द्वारा तुषार देश पांडे का आज का बहुत ही जबरदस्त योग बन पा रहा है। तुषार देश पांडे दोस्तों किस जाति के राशि का यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों ये भी सिंह राशि के जातक है तुषार देश पांडे। तो तुषार देश पांडे जो जबरदस्त योगदान बन पा रहा है इनका, ड्रीम टीम में 100% इनके आने के योगदान है। अब दोस्तों कौन कौन से गेंदबाज है जो आपस में टकरा सकते हैं और उनके विकेट नहीं मिल सकते तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों मथीसा पथिराना राहुल चाहर और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुस्तफिकुर रहमान, इन तीनों दो गेंदबाज दोस्तों जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन तीनों गेंदबाज में एक गेंदबाज ड्रीम टीम से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तीन में अब कौन सा गेंदबाज ड्रीम टीम से बाहर होगा वो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, दो गेंदबाज आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुलदीप यादव मुकेश कुमार और खलील अहमद में, तीन में इन तीनों में दोस्तों एक गेंदबाज का ड्रीम टीम में खतरा मंडरा रहा है और दोस्तों तुषार देश पांडे 100% आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। तुषार देश पांडे ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, मथीसा पथिराना का योगदान बन पा रहा है ड्रीम टीम में और कुलदीप यादव का, उसके बाद खलील अहमद का भी बन सकता है, मगर दोस्तों तीन प्लेयर को जो हमने बताया है उस कॉम्बिनेशन में आपको एक ड्रॉप करके चलना ही पड़ेगा तभी आप लोग ड्रीम टीम में आ पाएंगे। अब दोस्तों ज्योतिष आंकड़े द्वारा जो बनाई गई टीम है जबरदस्त तरीके से, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आप अलग अलग टीम में ले जा सकते हैं, किस किस खिलाड़ी को एनआरजे भी दोस्तों ये भी ट्रम्प कार्ड गेंदबाज के तौर पर इनको एक विकेट मिलने या फिर देखना होगा कि किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम जो टीम बताते हैं वो बहुत ही उमदा प्रदर्शन करती है, कप्तान उपकप्तान तो 100% फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी को आज टीम में शुभ पिक के तौर पर आप टीम में ले जा सकते हैं, किसको किसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रीम टीम में अगर आप ले जाना चाहें तो ऋषभ पंत को ट्राई कर लेना, ड्रीम टीम में ऋषभ पंत ट्राई कर लेना। दोस्तों बल्लेबाज सेक्शन से बात की जाए तो आज का जो शुभ आंकड़े ज्योतिष आंकड़े के द्वारा दोस्तों डेविड वार्नर और यहाँ पे बात की जाए शिवम दुबे, रचिन रविंद, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हैं। देख सकते हैं हम दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर चुके हैं, अगले ड्रीम टीम दोस्तों यहाँ पे लेना चाहेंगे। दोस्तों गेंदबाज सेक्शन से बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम
मिशेल मार्श को ट्राई करते हैं और दोस्तों यहाँ पे मिशेल मार्श हो जाएंगे और दोस्तों डेरिल मिशेल हो जाएंगे, अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा का योग ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब बॉलर सेक्शन से बात की जाए तो दोस्तों बॉलर सेक्शन से मतीसा पथिराना ट्राई करेंगे और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए मतीसा पथिराना हो गए और दोस्तों यहाँ पे मुश्ताकुर रहमान या फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं खलील अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं। खलील अहमद भी आज का शुभ पिक आंकड़े हो सकते हैं। खलील अहमद हो गए और मतीसा पथिराना हो गए। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे आप लोग तुषार देशपांडे या मुश्ताकुर रहमान को ट्राई कर सकते हैं गेंदबाज सेक्शन से। तुषार देशपांडे को आप जरूर अगले टीम में ट्राई करना यहाँ पे दोस्तों। तुषार देशपांडे वो भी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं जो कि ड्रीम टीम में शुभ पिक आंकड़े उनके भी बन पा रहे हैं, तो उनको भी आप ट्राई करना। तो ज्योतिष आंकड़े के द्वारा जो बनाई गई टीम दोस्तों आज देख सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से देख सकते हैं ऋषभ पंत हो गए और डेविड वार्नर, शिवम दुबे यहाँ पे देख सकते हैं, टी स्टब्ड हो गए और यहाँ पे दोस्तों चलिए एक गेंदबाज कम हो रहा है वो बल्लेबाज यहाँ पे दोस्तों टी स्टब्ड जो पिछले मैच का ड्रीम टीम का चैंपियन है दोस्तों उसको भी आप टीम में ले सकते हैं। सिर्फ सेफ पिक आंकड़े हो सकते हैं। तो चार बल्लेबाज ड्रीम टीम में आएंगे, तीन ऑलराउंडर आएंगे और तीन गेंदबाज ड्रीम टीम में आने वाले हैं। तो दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आप लोग देख सकते हैं जो हमारी टीम बनी है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने टीम देखा आज के मैच पे। शुभ पिक आंकड़े ज्योतिष विद्या के द्वारा बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेकर के दोस्तों कप्तान बना रहा है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा जो बनाई गई टीम है। तो एक बार जरूर आप लोग दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर धाम को जरूर दोस्तों यहाँ पे कमेंट लिखिएगा और दिखाते हैं बागेश्वर बाबा किस प्रकार से जादू करते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बनाई गई टीम अभी तक ड्रीम टीम में कभी भी फेल नहीं हुई है। तो आप ज्योतिष आंकड़े के द्वारा दादाजी गुरु महाराज का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, बालाजी सरकार का आशीर्वाद है और महाराज जी सरकार का आशीर्वाद है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम का आशीर्वाद है। तो इन सभी के आशीर्वाद से आप लोग ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान 100% आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इसी टीम से। तो दोस्तों आपको तीन तीन यहां पे कमेंट करना है, बागेश्वर धाम जिस भी देवी देवता को मानते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों कप्तान और कप्तान का यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों कप्तान हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए कप्तान का जो शुभ पिक हो सकता है यहाँ पे दोस्तों शिवम दुबे को आज के मैच में कप्तान ट्राई करेंगे। जो शिवम दुबे आप लोग देख सकते हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वाइस कैप्टन दोस्तों हम यहाँ पे डेविड वार्नर को ट्राई कर रहे। सेफ पिक आंकड़े दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा पहली टीम का प्रदर्शन आप लोग देख सकते हैं। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा शिवम दुबे को कप्तान बनाया जा रहा है, बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है और डेविड वार्नर को वाइस कैप्टन। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आज का जो सेफ पिक बन पा रहा है यहां पे दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि यहां पे रचिन रवीन को आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा लोग कप्तान बना रहे हैं। तो रचिन रवीन को वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे। अक्षर पटेल का लो सिलेक्शन परसेंटेज है, देख सकते 1.8% लोग कप्तान ट्राई कर रहे हैं और हम यहाँ पे दोस्तों बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज अक्षर पटेल को कप्तान के तौर पर ट्राई कर रहे हैं ड्रीम टीम में और वाइस कैप्टन रचिन रवीन हाई सिलेक्शन परसेंटेज। तो ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा कप्तान और कप्तान का। आप लोग देख सकते हैं अक्षर पटेल को ज्योतिष आंकड़े द्वारा कप्तान बनाया गया, रचित रवीन का शुभ योग बन पा रहा है, इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया गया है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने देख लिया। तीसरा कॉम्बिनेशन बैलेंस पिच के हिसाब से अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मिशेल मार्श को कप्तान बनाया जा सकता है, मिशेल मार्श को कप्तान बनाया जा सकता है ऑलराउंडर सेक्शन से या फिर आप डेरिल मिशेल को भी कप्तान ट्राई कर सकते हैं, मिशेल मार्श को कप्तान बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें मतीसा पथिराना लोकल बिल्कुल ये दोस्तों ये खिलाड़ी वाइस कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार है, इस खिलाड़ी को आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। मतीसा पथिराना को वाइस कैप्टन, मिशेल मार्श को कप्तान। तो दोस्तों हमारे ड्रीम टीम में तीन कप्तान कप्तान बन चुके हैं जबरदस्त तरीके से। आप लोगों दोस्तों अगर चौथा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो डेरिल मिशेल को आप लोग दोस्तों वाइस कैप्टन ट्राई कर वो कप्तान ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन आपके लिए जबरदस्त बेस्ट रहने वाला है। तो ज्योतिष आंकड़े द्वारा बनाई गई टीम आप लोगों को कैसी लग रही है, टीम पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष आंकड़े द्वारा बनाई गई टीम अभी तक कभी फेल नहीं हुई है। तो आप सबके लिए जबरदस्त प्रेडिक्शन देते हैं और ज्योतिष आंकड़े द्वारा दोस्तों ये टीम को सेव करते हैं, आपको बताते हैं कि ज्योतिष आंकड़ा किस प्रकार से आखिरकार काम किया है जबरदस्त तरीके से। बागेश्वर धाम का दोस्तों आशीर्वाद रहेगा, आप सबकी गरीबी दूरी होगी जरूर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे राशियों को ऊपर विचार करके टीम बनाई है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जरूर जय श्री बागेश्वर धाम महाराज की जय लिखिएगा। और हमारे टेलीग्राम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दो दो टेलीग्राम चैनल है, उनको आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको लाइव दोस्तों प्रेडिक्शन दिया जाता है, देख सकते हैं एक ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट है दोस्तों, दूसरा फैंटेसी क्रिकेट लवर है। तो दोनों यूट्यूब दोनों दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रेडिक्शन मिल सकता है जबरदस्त तरीके से। और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पे दोस्तों आपको टीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।